फ्रेंड्स, माय सेल्फ हिना सिद्दीकी, और आप जैसा कि जानते हैं कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, तो आइए मिलते हैं एक होनहार गर्ल जिनका नाम है लक्षिता, जिन्होंने बहुत अच्छे से पास किया है टेंथ, सब टेंथ में बहुत अच्छे नंबर आए हैं जिनके, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपका नाम? हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ लक्षिता साहू एंड आई स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पाथाखेड़ा एंड आई लिव इन शास्त्री नगर पाथाखेड़ा एंड दिस टाइम आई हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। ओके, क्या आपने कोई कोचिंग सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी? नो, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि मेरे पेरेंट्स किसी प्रकार की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की थी द मॉरिन एजुकेशन कैंपस, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, जिसने मेरे एग्जाम में बहुत हेल्प की। ओके, आपने तैयारी कैसे की अपनी, जैसे कि बहुत सारे लोग जो ट्यूशन पे ही डिपेंड करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सब लोग ट्यूशन पे सब लोग ट्यूशन जाते हैं ताकि उनके परसेंट अच्छे हों, बट मैं नहीं जा पाती थी। मैंने अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैं स्कूल को छोड़ के इवनिंग में 2 से 2.5 घंटे पढ़ती थी एंड मॉर्निंग में 1.5 आवर्स, एंड एग्ज़ाम के पहले मैंने भी अपना एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था। ओके, एग्ज़ाम टाइम या स्टडी के दौरान कोई समस्या आई जो आपको बहुत इरिटेट करे? या मेरी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी। दैट टाइम हमारी कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, जिनके घर मीटर्स थे सिर्फ उन्हीं के घर लाइन थी, हमारे घर लाइन नहीं थी, तो मुझे सारे पेपर्स चिमनी में पढ़ के देना पड़ा था। और मैं मॉर्निंग में उठती भी थी 3 या 3:30 बजे उठती थी, तो मुझे चिमनी में पढ़ना पड़ता था जो मुझे एग्ज़ाम में इरिटेट करता था। जैसे कि आपको 94% आपने, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें लगा कि मैं इससे काफ़ी अच्छा कर ही हूँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है मेरी, पर मैं इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, कोई सब्जेक्ट? या दैट इज संस्कृत, बिकॉज संस्कृत इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इन दैट सब्जेक्ट मैं कभी 90 के नीचे नहीं गई, एंड दिस टाइम मैंने पूरी तैयारी की थी एंड मैंने 99 नंबर का पेपर सॉल्व किया था, बट उसमें मुझे 88 मार्क्स दिए गए, जिससे मैं, जो मेरे लिए सही नहीं है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो क्या आप चाहेंगे कि उसको रीचेकिंग कराया जाए? या मैं चाहती हूँ कि उसको रीचेक कराया जाए, बट मैंने अभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं की है, सो मैं सबसे डिस्कस करके वो मैं बताऊँगी। एंड हाँ, मेरे पास एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी